नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड चैप्टर जो आपका 10th क्लास साइंस में था, इलेक्ट्रिक करंट है ना, या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जिसे आप जानते थे, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट के जो दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आप कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसा लास्ट न्यूमेरिकल मैंने कराया था। इसके बाद आइए फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेट का कैसा इफेक्ट होता है वो आपको समझना है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखा हुआ है, ए मैग्नेट ऑलवेज एग्जर्ट्स ए इन्फ्लुएंस अराउंड द रीजन सराउंडिंग इट। यानी कोई मैग्नेट जो होती है ना, वो जो मैग्नेट होती है वो अपने चारों तरफ, ऑलवेज माने सदैव, एग्जर्ट्स माने क्या करता है, उत्पन्न करता है एन इन्फ्लुएंस, एन कर लेना इसे, एन इन्फ्लुएंस माने एक प्रभाव, अराउंड द रीजन सराउंडिंग इट यानी अपने चारों ओर के क्षेत्र में एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है मैग्नेट। ठीक है ना, तो कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है आइए देखते हैं। इसने कहा दिस रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, और वो प्रभाव कैसा है अभी हम समझेंगे। इस रीजन को ही आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी मैग्नेट के चारों ओर एक विशेष प्रकार का इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो इस रीजन को आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड क्वांटिटी। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो दोनों चीज़ें रखता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। आप जानते होंगे जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में केवल मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है वो क्या होती हैं आपकी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी यानी क्वांटिटी रखता है, यानी मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शंस भी रखता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। देखो द फील्ड ऑलवेज इमर्स्ड आउट, ये इमर्स्ड नहीं है ना, इसे आप इमर्ज कर लेना, EMERGED। इमर्ज्ड आउट का क्या मतलब है, जो बाहर निकलता है। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर निकलता है ऑफ द नॉर्थ पोल। आपने देखा होगा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जो कहाँ से बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, एंड ऑलवेज है ना, एंड ऑलवेज इमर्ज, ये भी इमर्ज है, एम से पहले ई लगा लेना, एंड ऑलवेज इमर्ज इनटू द साउथ पोल। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ऐसे कोई मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी इस तरीके से और साउथ पोल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये देख लेना आप, बुक में भी डायग्राम है। इसके बाद देखो बट इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है ना बाहर, वो मैंने अभी डायग्राम के माध्यम से आपको बताई, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन मैग्नेट के भीतर यदि आप देखोगे डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी, यानी साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने क्या कहा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस प्रकार होती है ना, एरो के द्वारा दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को भी एरो के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये जितनी पास पास होंगी, यानी इनकी क्लोजनेस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, और इनकी क्लोजनेस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यही लिखा हुआ है, जो स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्लोजनेस के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, देखो इफ़ द लाइन्स आर क्लोजर, यदि लाइन क्लोजर हैं एंड क्राउडेड और पास पास हैं, तो इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज हाई। ठीक है, यानी क्लोज हैं यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, हाई। देखो इफ़ द लाइन है ना इज फेयरर, यानी फार, एक तरीके से फार से बना है, ये फार का कंपेरेटिव वर्ड है ये। तो यदि लाइन कैसी हैं, दूर दूर हैं एंड लेस क्राउडेड, और कम
है ना, भीड़ क्या है, कम है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटिवली लो, मैग्नेटिक फील्ड जो है तुलनात्मक रूप से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने समझा, इसे आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, और यहाँ तक अच्छे से नोट करेंगे। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।